कड़ाके की सर्दी के बीच देश के दक्षिणी मौसम राज्यों में मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने तमिलनाडु राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल और लक्षद्वीप में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम की चेतावनी के बाद स्टालिन सरकार ने आज प्रभावित जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर पश्चिम राज्यों के मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक सर्दी का सितम यूं ही देखना पड़ेगा, पारा और भी लुढ़कने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण तमिलनाडु में 17 और 18 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इससे पहले रविवार को कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थुथुकुडी और तेनकासी जिलों में भारी बारिश हुई थी। कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण शनिवार से दक्षिण तमिलनाडु के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों के घरों में पानी तक घुस गया है। वहीं 18 दिसंबर को लक्षद्वीप में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को ठंड की स्थिति बनी रहेगी और गुरदासपुर से न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटियाला में पारा 6.7 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 6.6 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात करें यूपी बिहार की, तो यूपी बिहार राज्यों में तापमान में भारी गिरावट देखने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। वहीं बिहार में पछुआ हवा के कारण सुबह शाम के समय ठंड बरकरार रहेगी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।